हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सल्ट इलाके में। हम आए हैं अपने गांव और यहां हिमालय का दर्शन। ये देखिए हिमालय है, ये हमारे गांव में ये होटल बन रहा है, एक 5-स्टार होटल बन रहा है। और ये देखिए ये गांव की हरियाली, ये देखो ये गांव के घर जिनमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ये देखो गांव की लेडीज़ हैं, ये हमारे रिलेटिव हैं, इनका घर है, ये गांव में रहते हैं और खेतीबाड़ी करते हैं। देखिए बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, सुबह सुबह उठते हैं, ये इनका घर है। ये और भी पड़ोसी लोगों के घर हैं। ये दो हमारे, ये देखिए ये अम्मा हैं पुराने ज़माने के, इनकी एज देखिए 80-85 के लगभग हैं। देखिए अभी इस पहाड़ी इलाके में और स्मोकिंग करते हैं, देखिए ये हुक्का पी रहे हैं। और ये चाची और ये मौसी, इनसे थोड़ा हम बात करेंगे, देखें इनके क्या विचार हैं। अम्मा, आप कभी शहर गए या गांव में रहे? कौन, हम कहीं नहीं गए शहर, गांव में था। अच्छा, ये बताए आपको गांव में कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, और आपकी कोई देखभाल करते हैं लोग? कौन करता है मेरे देखभाल? अच्छा, देखभाल नहीं करते हैं तो सरकार से आपको कोई सहायता मिलती है? कुछ नहीं मिलता है मेरे को। नहीं मिलती है ना, जैसे मोदी जी हैं उन्होंने आपको पेंशन वेंशन दिया नहीं दिया? दिए। अच्छा, आपको राशन पानी मिलता है? मिलता है। अच्छा, मतलब आप ठीक, अपना जीवन यापन बढ़िया तरीके से कर रहे हैं? हाँ। ये अम्मा हैं, इनके अम्मा के 5 बच्चे हैं और सब अपने अपनी जगह अच्छे पोस्टों में, दिल्ली बम्बई और सब यहाँ से प्लान कर चुके हैं। वो करते हैं, अम्मा रे अपने छोटे बच्चे के साथ रहती है। और ये अम्मा के ये अम्मा के पोते, देखो ये बच्चा, ये बच्चा है और इनके साथ रहती है अम्मा। और ये बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चे कितने में पढ़ाई करता है तू? 8 में। और स्कूल जाता है? हाँ। और स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है? हाँ। और तेरे स्कूल का नाम क्या है? सुंगरखाल। और 8वीं में पढ़ाई करते हैं, और तो पढ़ाई लिखाई बढ़िया होती है? हाँ। और तेरे गांव कैसा लगता है? बहुत अच्छा। अच्छा, तो पढ़ लिख के क्या करेगा? और तू भी ये गाँव छोड़ देगा? तो दोस्तों देखो, आजकल रोजगारी के रोजगार के लिए लोग बाग प्लान करते हैं। ये देखे इनमें घर, देखो ये है इनका घर रसोई, और ये है, ये देखे 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 इनका, ये है मोदी जी ने आज भी शिक्षित है। देखो मोदी जी ने गैस दे रखी है और सिलेंडर है, मोदी ने सारा फैसिलिटी इनको दे रखा है। ये बढ़िया सा अपना देखो, इनके गैस सिलेंडर है, ये देखिए। लेकिन ये फिर भी देखो, ये देखिए भाभी जी हैं गांव में, बढ़िया देखो अपने चूल्हे में रोटी पौष्टिक बिल्कुल। इनका कहना है कि गैस से प्लस जो रोटी का स्वाद है वो बढ़िया समझ में आता है। अच्छा, आप बहुत मेहनत करते हैं जी? हाँ। हैं? और तो आपको कैसा लगता है गांव में? अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, और आपको क्या क्या फैसिलिटी है? ये शिक्षित हैं और गाँव के लिए बहुत लोगों के हेल्प करते हैं, और इनका जीवन बहुत कठिन परिश्रम करते हैं ये। क्या विचार है आपके, आपको सरकार से कोई सहायता मिलती है? नहीं मिली अभी तक। अच्छा, नहीं मिलती है? नहीं मिली। तो आप क्या कुछ करना चाहते हो, आपका महिला मंडल या कुछ उसकी तरह कुछ करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? ये देखो बढ़िया बढ़िया रोटी बना रहे हैं, ये देखिए ये ऑर्गेनिक, देखो ये मडुआ बोलते हैं यहाँ उत्तरांचल का, बहुत फेमस रोटी होते हैं। ये देखिए रोटियाँ कितना अच्छा अच्छा बना रहे हैं, देखिए बढ़िया, देखो बहुत हार्ड मेहनत करते हैं। ये देखिए इनका बच्चा, देखो स्कूल जाता है, सेब का पेड़ है। ये देखो एप्पल, देखो ऑर्गेनिक, जहाँ शहरों में बड़े बड़े 200-300 रुपए के में लेते हैं, यहाँ पर देखिए कितना सुंदर है। देखो ये देखो लगे फ्रेश लगे, ये सर गांव है, संतरे के पेड़, ये पुराने घर हैं। देखो आज भी सारे लोग अपने रोजगार के लिए देखो ताला लगा के जा चुके हैं, सब छोड़ के देखिए इक्के दुके बुजुर्ग लोग रहते हैं घर में। गांव में पानी की बहुत परेशानी है, पानी की समस्या है, पानी की समस्या से बोलना। ये देखिए इनके विचार अम्मा के।
पानी 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 अच्छा हमारे एक पानी से हो जाता है। ये देखिए तो अम्मा कुछ बताइए अपने बारे में। बोलो क्या बताऊं। हां ठीक ही हो रहा है। अच्छा अच्छा हो रहा है बढ़िया। हां धन्यवाद धन्यवाद। शुद्ध हवा पानी में रहना चाहते हैं ये। हाँ। शहरों में इनको घुटन होता है और यहाँ रहते हैं और स्वच्छ पानी हवा सारे ताज़ा ताज़ा सब चीज़ करते हैं। ये देखो हिमालय दर्शन देखें देखिए ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। ये देखिए ये रास्ता है। ये देखिए इनको बाथरूम देखो टॉयलेट स्वच्छ भारत अभियान से मोदी जी ने इनको उपलब्ध करा रखा है। देखिए ये देखिए ये गांव के रास्ते ये पेड़ पौधे अखरोट के बहुत फलदार वृक्ष हैं बहुत सारे हैं। ये देखो सेब ठीक है। ये देखिए ये गाय भैंसे रहते थे किसी ज़माने यहाँ पर अभी सारा शहर की तरफ चले गए लोग बाग। ये देखिए इसको चुआरू बोलते हैं एप्रिकॉट इसके पेड़ हैं। ये देखिए ये शानदार दृश्य ये बहुत सारे अखरोट के पेड़ हैं। ये चिड़ियों की सुबह सुबह चहचहट ये देखें इनका नल है नल यहाँ से लोग पानी भरते हैं। ये ऊपर जाने का थोड़ा रास्ता थोड़ा थोड़ा पानी आता है इनका देखें। ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी करी पानी की भी। ये यामिनी नेगी यामिनी ये शहर में पड़ती है और अभी आपने अम्मा बू के घर आ रखे हैं देखे क्या बोलते हैं यामिनी। हाँ। बताइए कैसा लग रहा आपको गांव। बहुत अच्छा। और कुछ बताइए गांव के बारे में। यहाँ की हवा बहुत नेचुरल है और पानी भी ठंडा है लेकिन यहाँ पे पानी की बहुत कमी है और यहाँ पे चिड़िया की चिघाट सुबह धूप की रोशनी। ये सोनू देखो इसके दोस्त देखो ये सुनो सुनो गांव में नौवीं क्लास में पढ़ता है। सुनो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बेटा। सुंदरखाल। हाँ। और कैसा लगता है आपको गांव में। अच्छा। हैं किसके साथ रहते हैं आप गांव में। मम्मी पापा के साथ। अच्छा अच्छा एक एक देखिए एक दूसरा लड़का और है ये देखो ये बालक है ये भी रहता है। बेटा कितना पढ़ता है तू। मैं 4 में। अच्छा कहाँ रहते हो आप। खोड़ा में। थोड़ा दिल्ली में रहते हो और यहाँ अभी गांव कब आए। 25 तारीख को मई में। अच्छा और तो कैसा लग रहा है आपको गांव कैसा लगता है। अच्छा अच्छा ये देखो गांव का देखो देखो ये सारा देखो कितना सुंदर ये आसपास के गांव हैं। ठीक है ओके ओके दोस्तों धन्यवाद।